हाय दोस्तों, आज मैं आप लोग को हार्ड रीसेट बताऊंगा वीवो Y55S का। चलो सबसे पहले हम इसे स्विच ऑफ कर लेते हैं पावर की प्रेस करके। देखिए दोस्तों, अभी पूरी तरह से प्रॉपर अगर बंद हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, आपको वॉल्यूम का डाउन बटन और पावर की दोनों को एक साथ प्रेस करना है। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने फास्ट बूट मोड आ जाएगा, उसके बाद आपको रिकवरी मोड पे जाना है सेकंड ऑप्शन में, तो आपको वॉल्यूम डाउन का बटन दबाना है। ठीक है, आप चले गए, उस पर ओके कर देना आपको। तो ओके प्रेस करने के लिए आपको बीच का बटन दबाना, ठीक है। उसके बाद अब इसे देखना है, ये थोड़ी देर बाद देखिए दोस्तों ये अब आ गया है रिकवरी मोड पे। अब हमें वेब डेटा पे जाना है, तो डाउन वॉल्यूम डाउन बटन से वेब डेटा पे जाना है और ओके करना है। उसके बाद हमें वेब डेटा पे फिर से जाना है वॉल्यूम डाउन के बटन से और पावर की प्लस करना है। उसके बाद देखिए अब ओके क्या बोल रहा है, तो ओके कर देना है। देखिए अब ये पूरी तरह से अंदर जितने भी आपके पिन लॉक पैटर्न लॉक जो भी होगा वो सबको क्लीन कर देगा, या कोई भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी उसे सॉल्व कर देगा। देखिए ये ओके हो गया, हमारा सक्सेसफुल हो गया, अब उसे ओके कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, फिर से हमें बैक पे अब आना है और इसे हमें रिबूट कर देना है। थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों, बट वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों, तभी आप लोग को समझ में आएगा कि हार्ड रीसेट मारने के बाद जब मोबाइल न्यू हो जाता है तो आगे के प्रोसेस क्या होता है। ज़्यादातर मोबाइल में वाईफाई से कनेक्ट करके आगे प्रोसेस होता है, बट मैं आपको बिना वाईफाई कनेक्ट किए भी आगे का प्रोसेस बताऊंगा। इसके लिए पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों, आप लोग को अच्छे से समझना है। तो थोड़ा टाइम ज़रूर लग सकता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर जब हम करते हैं हार्ड रीसेट या सॉफ्टवेयर मारते हैं तो उसमें चालू होने मतलब पूरा जब अंदर से क्लीन हो जाता है तो उसके बाद चालू होने में थोड़ा टाइम लगता है। बट आपको ज़्यादा नॉलेज लेना है तो आपको रुक के मेरी वीडियो पूरी तरह से अच्छे से देखना है। और दोस्तों जो जो चैनल पे नए आते हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कर लीजिए दोस्तों। तो अभी हमारा मोबाइल चालू होने वाला है दोस्तों, क्योंकि ये मैं आपके सामने लाइव करता हूँ, इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों। बाकी अगर मुझे स्किप या कट करके करना रहेगा तो ये सब काम बहुत फास्ट हो सकता है, लेकिन क्या है मैं सामने फिजिकली आप लोग को बताता हूँ। इसके लिए मुझे और वीडियो को भी थोड़ा बड़ी हो जाती है और थोड़ा टाइम भी लगता है, इसके लिए सपोर्ट कीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब चालू हो चुका है, अब हमारा मोबाइल पूरी तरह से क्लीन हो चुका है। उसके बाद हमें यहाँ पे नीचे देखिए क्या लिखा है, सेटअप योर फोन, तो उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए आपका लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, इंग्लिश पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, नेक्स्ट करना है आपको, ठीक है, सिलेक्ट है पहले से। फिर उस पर यहाँ पे आपका कंट्री सेलेक्ट करना है, इंडिया पे है तो इंडिया पे एक्सेप्ट करना है। उसके बाद एग्री करना है, उसके बाद स्किप करना है क्योंकि हमको कोई वाईफाई नहीं कनेक्ट करना है, इसलिए स्किप कर देना, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है, फिर देखिए यहाँ पे यूज़ योर फ़ोन, अब हम यूज़ कर सकते हैं इस पर एक बार टाइप करने के बाद, ठीक है। देखिए अब ये पूरी तरह से ओपन हो चुका है दोस्तों। मेरी वीडियो आपको पसंद आए, पूरी तरह से इसका सब क्लीन हो चुका है। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाय दोस्तों।